मैं आज आया हूँ, प्लेन में ही हूँ, प्लेन मायूँ, हाँ प्लेन मायूँ आया हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ किसी गांव का, तो मैं बिज़ी हूँ आजकल, तो इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज कहीं जाया जाए, आज मुझे छुट्टी थी काम से, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कहीं जाया जाए और आप लोगों को दिखाया जाए। तो आज आया हूँ मैं प्लेन मायूँ। तो बारिश भी आ चुकी है मेरे साथ साथ ही, मैं अभी अभी उतरा हूँ तो बारिश भी फौरन आ चुकी है, बारिश काफ़ी होने लगी है, तेज़ हो गई है बारिश। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद निकल ही आया हूँ तो बारिश थोड़ा तेज़ हो ना, बारिश भी मेरे साथ ही आ गई है। तो काफ़ी बादल हो रहे थे तो बारिश तो आएगी ना। और ये जो प्लेन मायूँ है ना, प्लेन मायूँ ये जो गांव है ये बिल्कुल माईबो के पास है। आप जब भी आना है यहाँ पे माईबो की बस में आए और मतलब कि आप आ सकते हो यहाँ। ये इसकी जो लोकेशन है साउथ में आती है, साउथ ईस्ट में भी बोलते हैं इसको, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे। मतलब कि माईबो की बस आएगी डायरेक्टली, शॉप राइड से भी आप ले सकते हो, शॉप राइड से मतलब के इसका बस डायरेक्ट मिलता है, शॉप राइड से, क्यूटिप से, मतलब कि आप कहाँ से भी आना चाहते हैं आ सकते हैं, लेकिन माईबो की बस में आप आओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब कि वो डायरेक्ट आपको यहाँ पे लेकर आएगी, तो रास्ते में स्टॉप वगैरह काम करती है। तो मैं तो अभी जा रहा था, मैं सोचा जाते जाते वीडियो बनाता हूँ, और शायद मैं कहीं और भी जाऊँगा तो मैं फिर इसका वीडियो बनाऊँ। हाँ देखो बारिश हो रही है, लोग जिनके पास अम्ब्रेला नहीं है वो यहाँ पे, तो मुझे इसका दो तीन लोगों ने बोला भी था कि प्लीज़ वहाँ का वीडियो बनाओ, क्योंकि जो लोग जो है ना जो दूसरी कंट्री में काफ़ी देर से सेटल हैं तो फिर वो बोलते हैं कि भाई वहाँ का वीडियो बनाओ वहाँ का। तो जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं बनाता हूँ, तो आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा मैं कहीं ना कहीं वीडियो बनाने जाऊँगा और आप लोगों से शेयर करता हूँ। ये भी गाँव काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसकी जो पॉपुलेशन है 12,000 है, 12,000 काफ़ी है, ये MCB है इसलिए लाइन लगी हुई है, 12,000 मतलब कि काफ़ी है, कम नहीं है 12,000 भी, इसकी जो पॉपुलेशन है 12,000 है। देखो मिडल में यहाँ पे पेट्रोल पंप है, मिडल में ही है यहाँ पेट्रोल पंप, तो वहाँ से बिरयानी वगैरह भी मिलती है। बारिश थोड़ा रुक गई है, मैं इसलिए रुका, मैं सोच रहा हूँ कहीं बारिश ज़्यादा ही ना हो जाए। आज मैं कम से कम पूरे 2 वीक के बाद निकला हूँ, 2 वीक के बाद मैंने ठीक से वीडियो आज बनाई है, नहीं तो मैं वो एक बार तो वो तो ऐसे ही मैं आ रहा था काम से तो बनाया। चलो वो थोड़ा उस साइड की मार्केट से भी थोड़ा दिखाता हूँ, देखते हैं उधर भी क्या। हाँ इस साइड में भी है देखो, ये मार्केट वगैरह इस साइड को तो पता नहीं कहाँ जाता है ये रास्ता। हाँ ये कहीं और जाता है रास्ता, देखो ये मार्केट भी काफ़ी पुरानी लग रही है।
अभी अभी बारिश हुई है ना, तो ऐसे लग रहा है। चलो मैं यहाँ से क्रॉस करूँगा, तो फिर इधर को जाता हूँ मैं, सब ऐसे घूम के आप लोगों को दिखाता हूँ। खड़ा होता हूँ तो जब भी क्रॉस करने का मौका मिलता है, ये सामने शॉप है। हाँ अभी क्रॉस कर सकते हैं, तो मैं भी क्रॉस कर लेता हूँ, तो जाते जाते आगे जाता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तकरीबन थोड़ी दूर आगे ही जाके वो शुरू हो जाता है माइबो। माइबो यहाँ से शायद बहुत कम है, ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 7-8 किलोमीटर है यहाँ से। तो आप जब भी आना है उसकी बस में आए तो आप यहाँ इस गांव में आ सकते हैं। मैं अभी बनाऊंगा, अभी मैं कहीं ना कहीं जाता रहूंगा और आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ आजकल तो टाइम नहीं है थोड़ा। तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। सैटरडे संडे घर होता हूं, लेकिन मैंने लास्ट सैटरडे काम किया था तो इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पाया। इधर को कहां जा रही है, एक इधर को भी है, लोग जा रहे हैं, कोई मार्केट तो नहीं है। चलो इधर को मैं होके आता हूं, फिर बाद में इधर को आता हूं, ये कपड़े की मार्केट लगी हुई है। फिर बाद में मैं ना इधर को जाता हूँ, पहले इधर से होके आता हूँ, कोई लोग इधर को काफ़ी जा रहे हैं, शायद वहाँ पे कुछ है। देख के आता हूँ मैं, कोई मार्केट ही ना हो, मुझे भी इतना नहीं ना पता, लेकिन इसके बारे में थोड़ा मैंने देखा है, पढ़ा है कैसा है, इसके बारे में जाना है, फिर आया हूँ। मुझे लगता है इधर को लोगों के घर होंगे। चलो मैं वापस आता हूँ, फिर यहाँ से निकलता हूँ वापस। ये भी गाँव मतलब कि ठीक ठाक है, पॉपुलेशन 12,000 बहुत है। हमारे जहाँ मैं गांव में रहता हूँ वहाँ 2,000 ही है, तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो ये 12,000 है, तो काफ़ी मतलब कि काफ़ी पॉपुलेशन बन जाती है यहाँ। तो प्लेग्राउंड नहीं अभी चल फिर सकता, क्योंकि घर पास नहीं है ना। जिन ये वो लोग हैं जिनके पास घर पास है और वो घर चले जाएंगे। नो, ये कोई रास्ता कहीं और जा रहा है, तो मुझे वापस जाता हूँ यहाँ से, तो आगे का वीडियो आगे जाता हूँ मैं। वो आगे सीधा रास्ता जो है ना घरों को जा रहा है, तो मैं जाता हूँ आगे, तो फिर जाते जाते वहाँ का वीडियो बनाता हूँ आगे, सब देखते हैं कहाँ तक मुझे लेके जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है मेरा, और मैं इसलिए लंबा होता है क्योंकि मैं पूरा दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके बाद देखो मैं कौन से गांव में जाना है, तो आप लोगों को बताऊँगा। देखता हूँ और भी जहाँ की कोई फेमस प्लेस है तो वहाँ भी जाऊँगा, और वहाँ का भी जाके मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर आप लोगों से शेयर करूंगा। इसका एक शब्द एक तो एक है लड़का, उसका नाम अभी मुझे कहने नहीं आ रहा। उसने मुझे बहुत बार बोला है इंस्टाग्राम पे कि प्लीज़ वहाँ का वीडियो बनाओ, तो मैंने उसको कहा मैं बनाऊंगा, लेकिन नहीं आ पाया। तो मैंने रात सोचा कि मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ का वीडियो बनाता हूँ, और भी मुझे काफ़ी लोगों ने बोला, लेकिन उस लड़के ने मुझे बहुत बार कहा इसके बारे में कि प्लीज़ वहाँ का वीडियो बनाओ, वहाँ का वीडियो बनाओ। कुछ लोग देख रहे हैं कि पता नहीं मैं
इसके लिए शूट कर रहा हूँ, शायद टीवी के लिए कर रहा हूँ, और टीवी में भी बनाते हैं ना ऐसे। अभी तक बारिश रुकी नहीं है, चलो मैं जाता हूँ, बारिश ना रुके। लेकिन मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आपको, ये यहाँ के बाज़ार, अकेली ना बाज़ार जाया करो, बाज़ार से ज़्यादा आ गया ना वो सॉन्ग। ऐसे ही है जो पुराने सॉन्ग है ना, आज से जो पहले चलते थे ज़्यादा बॉलीवुड के सॉन्ग, तो लोग अभी कोई भी काम नाम लो ना, अगर उसका नाम आ गया तो वो सॉन्ग गाते हैं, हर नाम के ऊपर सॉन्ग है ना। जैसे अभी मैंने बाज़ार कहा तो मैंने बाज़ार का कहा इसलिए। मुझे गर्मी लगने लगी क्योंकि मैंने ऊपर से कैप भी लिया है, तो गर्मी लगने लगी। अगर आप मतलब के मॉरीशस में हैं, अगर आपने हेयर वगैरह कटवाना हो ना, अपने हेयर कटवाना हो तो किसी गांव से कटवाओ, तो हाफ प्राइस होता है। सिटी में आपको 300 भी चल रहा है, 250 भी चल रहा है, 200 भी चल रहा है, और अगर आप गांव में आओगे तो सिर्फ 100 लगेगा। तो मैंने सोचा है तो जाने के टाइम मैं यहाँ से हेयर कटवाता हूँ, चलो 100 बचेगा मेरा, 100 बच जाएगा, तो यहाँ से हेयर कटवाता हूँ मैं। हाँ, किसी भी गांव में ऐसा ही है, अगर आप गांव में रहोगे तो गांव में जो गांव की लाइफ है थोड़ा सस्ती है, मतलब कि यहाँ पे चीज़ें कम महंगी होती हैं। अगर आपने ख़रीदना है कुछ तो वो आपको पोटलिस में जाओ, वहाँ से आपको सस्ते में मिल सकता है, मतलब कि कोई सब्ज़ी वगैरह या कुछ हेयर कटवाना है ऐसी चीज़ें। और अगर घर रेंट पे लेना है तो रेंट पे घर भी मतलब कि आपको ठीक प्राइस में मिल जाता है, गांव में रेंट वगैरह के लिए अच्छा होता है। मैंने अम्ब्रेला थोड़ा साइड में किया, वो मैन था तो मैंने इसलिए साइड में किया अम्ब्रेला। अभी थोड़ा देखो धूप भी निकली है और बारिश भी हो रही है। अम्ब्रेला टकरा गई है मेरी किसी के साथ,
ये गांव भी काफ़ी मतलब कि बिजी भी है और ठीक है, इसके बाज़ार रश है लोगों का। आप कभी कभी कोई ऐसे गांव मतलब कुछ गांव में जाता हूँ, बिल्कुल भी वहाँ मतलब कि सुकून होता है, यहाँ पर तो ठीक है। बारिश कम हुई थोड़ा, चलो अमरीला धूप निकल आई है। अमरीला को भी मैं बैग में भी नहीं डाल सकता, गीला हो चुका। मैं तो हमेशा जो अम्ब्रेला है अम्ब्रेला बैग में रखता हूँ। अगर रोजिन में हूँ तब तो नहीं बैग लेकर जाता, अगर दूर जाऊँ तो मैं सब कुछ साथ रखता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। लेकिन आजकल पता नहीं ये बादल जो हैं सैटरडे संडे को ही आते हैं ज़्यादा बारिश। अच्छा है, लोग घरों में होते हैं। आजकल स्कूल की छुट्टियाँ भी चल रही हैं, बारिश मतलब के स्कूल ओपन होने वाले हैं कुछ दिनों तक, तो मैं अभी शायद आ चुका हूँ। देखो कोकोनट भी, चलो मैं शायद यहाँ से अभी वीडियो करूँगा स्टॉप, तो देखता हूँ अगर कोई और जगह इसकी खूबसूरत है आसपास कोई इस पर, तो चेक करना पड़ेगा, तो फिर मैं बनाऊँगा। ये राउंडाबाउट है कोई, इस साइड को भी कोई लोग देखो बना हुआ रास्ता, मुझे लगता है ये माइको का है, ये माइको का जाता है रास्ता मुझे लगता है। वो बस पता नहीं कौन सी जा रही है। हाँ पता नहीं, मुझे पता नहीं तो मैं नहीं जाऊँगा, तो यहाँ पर ही वीडियो मैं करता हूँ स्टॉप। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।